हाई एवरी वन दिस इज सौरभ ठाकुर एंड टूडे वी विल टॉक अबाउट लुइस आल्थुजर ठीक है जी लुइस आल्थुजर जो बंदा था ये मार्क्सिज्म का ही बंदा है लेकिन ही इज इन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म अब स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या है देखो मार्क्सिज्म तो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं कि क्या है अब स्ट्रक्चरलिज्म में मैं आपको समझा चुका हूं क्या है दोनों चीजों में मेरी वीडियोस है ये सीरीज भी मार्क्सिज्म की चल रही है तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में क्या समझ सकते हो आप स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? कहता है है कि हर एक टेक्स्ट में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमें उनकी स्टडी करनी होती है फिर हमें कोई टेक्स्ट समझ में आता है वैसे ही ये लोग भी कहते हैं कि जो मार्क्सिज्म है वो एक स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड है सोसाइटी में भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसपे सारी चीजें जिसके इर्द गिर्द घूमती है तो स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म जो है ये फ्रांस में नाइनटीन से सेवनटीज के बीच में चला जो कि जिसका मेन जो इंसान है लुइस अल्थुजर जो बंदा है इन एंड डाइड इन 1990. ये जो बंदा था ये बहुत ही मेन बंदा है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का जब भी नाम आता है तो लुइज ऑल्थजर का नाम टॉप पे आता है ठीक है इसमें दो बंदे और थे निकोस पोलसाज निकोस पोलेंसाज एंड मॉरिस गॉडलेर, मॉरिस गोदलियर तो इन दो लोगों के नाम भी आप याद रख लेना स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में ठीक है तो अब ये जो स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म है आज हम इसी की बात करेंगे लुइज आल्जर की आपको टर्म समझाऊंगा दो चार इसको इसके आपको वर्क्स भी बताऊंगा और कुछ आइडियाज भी मैं आपको बताऊंगा चलो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये एक फ्रेंच बंदा था ये आपने याद रखना कंट्री हमेशा याद रखनी है ही वॉज बॉर्न इन अल्जीरिया अल्जीरिया में बॉर्न हुआ था ठीक है इन नाइनटीन तो ये सबसे पहली टर्म जो इसकी है उसकी हम थोड़ी चलो उसकी थोड़ी देर में बात करते हैं सबसे पहले आपको इसका वर्क बताता हूँ रीडिंग कैपिटल रीडिंग कैपिटल ये बुक आई है 1965 में और इन कोलेबोरेशन विद पियरी मैचरी ठीक है जी पियरी मैचरी के साथ मिलकर इसने ये बुक लिखी है रीडिंग कैपिटल ये चीज आपने याद रखनी है 1965 में आई है और दिस बुक इज द री रीडिंग ऑफ दास कैपिटल दास कैपिटल दास कैपिटल किसकी बुक है कार्ल मार्क्स की ठीक है तो ये इन चीजों की बात करेगा लुई हालतर तो क्या बात करेगा कि जो मार्क्सिज्म के खिलाफ जो कुछ भी चीजें बोली जा रही है उस चीज को इसने डिफेंड करना है ठीक है मार्क्सिज्म को इसने बचाना है थोड़ा मार्क्सिज्म की ये बात भी करेगा और हालांकि ये मार्क्सिज्म को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी करता है जब यह कार्ल मार्क्स स्टडी करता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताता है कि कार्ल मार्क्स की जो चीज़ें कुछ गलत थी मतलब उन्हें क्रिटिसाइज करता है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिटिसिज्म होता है किसी भी इंसान का किसी आइडिया का जब आप अपोज करते हो या फिर आप उसके बारे में कुछ अपने व्यूज देते हो ठीक है अपना पर्सपेक्टिव रखते हो आप अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हो तो वो क्रिटिसिज्म होता है ठीक है तो ये उस हिसाब से क्रिटिसिज्म करता है ठीक है जो रीडिंग कैपिटल आपने याद रखना है एक इसने एक और बुक लिखी फॉर मार्क्स एम ए आर एक्स फॉर मार्क्स ये बुक नहीं थी इसके कलेक्शन थी ठीक है ये भी नाइनटीन में आई है ठीक है ये दो बुक्स आपने याद रख लेनी है बहुत जरूरी है ठीक है अब फॉर मार्क्स में ये क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स के जो वर्क्स थे कार्ल मार्क्स के जो वर्क्स थे उसमें एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक था एपिस्टेम, एपिस्टे लॉजिकल एपिस्टेमोलॉजी कल ब्रेक अभी एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक जो है इस टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया है उस बंदे का नाम था गैस्टन लिख देता हूं गैस्टन बैचलर्ड गेस्टन बैचलर जो एक इंसान था उसने एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक का सबसे पहले कॉइन किया इस टर्म को लेकिन दिस टर्म वॉज फर्दर यूज बाय लुइस एल्थर ठीक है किसके पर्स किसके बिहाफ में मार्क्स के लिए ये क्या कहता है कि जो मार्क्स के जो वर्क्स हैं उनको आप एज अ होल स्टडी नहीं कर सकते ठीक है उन वर्क्स को सबसे पहले वो मतलब दो दो पार्ट्स में है वो उसके जो क्योंकि बीच बीच में में आ गया था Epistemology होता है 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 आपका ठीक से ये तो बहुत सारी बीच में एक epistemological break आया जिसमें उसने बहुत सारे थॉट्स पे काम किया बहुत सारी नॉलेज और प्रैक्टिस पे, पे काम किया थियोरी ऑफ नॉलेज पे काम किया उसके बाद जो उसके वर्क थे जो जो उसका part था second जो उसका उसकी फेज आई उसमें जो उसने वर्क्स लिखे और उसके पहले जो वर्क्स थे उसके बीच में एक, एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक था तो आपने इतना सा याद रखना है कि इस टर्म को लुइज एल्फर यूज करता है मार्क्स के लिए यूज करता है और बताता है कि उसके काम के बीच में उसके आइडियाज के बीच में एक, एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक था जिसको एपिस्टोलॉजिकल भी बता दिया मैंने इतना डीप वैसे नहीं जाएंगे वो पर फिर भी गेस्टन बैचल ने सबसे पहले यूज की थी ठीक है जी अपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक की हमने बात कर ली दो मैंने आपको इसके वर्क्स बता दिए अब हम सीधा सीधा तो नहीं पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं यह क्या कहता है ये मार्क्स के लिए कहता है कि देखिए जो भी स्टडी होती है वो कोई एक पर्टिकुलर ह्यूमन एलिमेंट की स्टडी नहीं होती कोई इंडिविजुअल ह्यूमन एलिमेंट की स्टडी नहीं होती है बट द स्टडी शुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ठीक है जैसे कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की आपको यहां पर वाइब्स आएगी तो उसी की बात करता है कि सारी चीजें स्ट्रक्चर में बेस्ड होती है कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस की आप मत बात करें ये कहता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है ठीक है जो इकोनॉमिक जो प्रैक्टिस है उसी से सारी प्रैक्टिस जो और आस्पेक्ट है सोसाइटी के वो जुड़े ठीक है ये क्या कहता है आई रिपीट कि जितने भी स्पेक्ट है हमारे सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक जो एक आपकी प्रैक्टिस है उसी से सारा है क्योंकि मार्क्सिज्म क्या कहता है कि इकोनॉमी की बहुत ज्यादा बात करता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बहुत ज्यादा बात करता है बोर्जो अजीज की बहुत बात करता है कैपिटलिज्म 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 इस चीज की बात करता है तो ये कहता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है तो ये हमें तीन प्रैक्टिसेस की बात बताता है कि सोसाइटी में तीन प्रैक्टिसेस है और इन सब का होल है हमारी एक सोसाइटी डब्ल्यू एच ओ एल ई सारा पूरा वो प्रैक्टिस क्या है सबसे पहले है आपकी इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रैक्टिस दूसरी है आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी तो इतना बड़ा कंसेप्ट है इसका भी बहुत सारी बातें करेंगे हम इसके बारे में आइडियोलॉजिक आइडियोलॉजिकल ठीक है आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस एंड उसके बाद आती पॉलिटिको लीगल पॉलिटिक्स एंड लीगल ठीक है पॉलिटिको लीगल प्रैक्टिस ठीक है तो ये कहता है जो ये तीन चीजें हैं इन तीन चीजों से सोसाइटी बनती है ठीक है कोई ये आइसोलेशन में काम नहीं करती ये चीज इकोनॉमिक प्रैक्टिस आइसोलेशन में काम नहीं करती है बल्कि इन सब से मिलकर जो बनता है वो होता है सोशल फॉर्मेशन सोशल फॉर्मेशन तो इन तीजों से तीन चीजों से मिलकर बनेगा ये सोशल फॉर्मेशन होगा ठीक है तो ये थोड़ा सा आइडियाज किया आपने याद रख लेना कि इसकी ये बात करता है और इसने एक और चीज भी बोली मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है ठीक है तो ये क्या कहता है कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर कोई अलग चीज नहीं है बल्कि दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड ठीक है एक दूसरे पर डिपेंड है इंटरकनेक्टेड है अलग नहीं है ये भी इसने थोड़ी सी बात बोली है अब सीधा आ जाते हैं इसकी टर्म पर इंटरपलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंटरप्लेन किसकी टर्म है इस रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुके हैं यूजीसी नेट में देखो जी इंटरपलेशन क्या है कि इस ये सब्जेक्टिविटी पे काफी काम करता है फॉर एग्जांपल कोई दरवाजे पर आता है वो नॉक नॉक करता है एंड आई आस्क दैट पर्सन दैट हु इज दैट तो जब तक वो इंसान ये नहीं बोलेगा कि इट्स मी जब तक मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर देता हूं तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा ठीक है तो वो एक सब्जेक्ट बन गया मेरे लिए कि सब हम एकदम से कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बन जाते हैं ठीक है थीके? तो इंटरप्लेशन क्या है कि इंटरपलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप समाज की डेमोक्रेसी की जो आइडियाज है वैल्यू सिस्टम है जो आइडियोलॉजीज है जब उसका आप सामना करते हो ठीक है वैसे मैंने पहले बता दिया अभी आप नहीं समझोगे पहले मुझे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपेटिस की बात करनी चाहिए उसके बाद ही आप यह समझोगे ठीक है चलो मैं पहले वही समझा देता हूं क्योंकि इसको थोड़ा लास्ट के लिए रखते ठीक है थीके? तो पहले मैं आपको बताता हूं आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट पैरेटिस ठीक है जी ये एक इसका एसे था 1970 में जो आया ठीक है नोट्स टूवॉर्ड्स नोट्स टूवर्ड्स एंड इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा इसका सब टाइटल भी मैं एक बार आपको बता देता हूं Notes towards an इन्वेस्टिगेशन ठीक है ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं सब टाइटल है शायद. एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट state नाइनटीन सेवेंटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें इसने दो चीजों की बात की है एक है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatuses, जिसे हम कहेंगे आई एस ए और एक है रिप्रेसिव स्टेट apparatuses, रिप्रेसिव ठीक है है जी होता किसी भी एक का एक जो complex सा स्ट्रक्चर होता है उसे apparatus आप कहते हो ठीक है तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है आई एस ए और रिप्रेसिव अभी आप इंटरप्रेशन होल्ड पर रखो है ना इसको में समझाऊंगा आई एस ए क्या है देखो लुइज आलतीजर जो है वो आइडियोलॉजी की बात करेगा जहां भी आइडियोलॉजी आता है आपने लुइज आलतीजर का नाम याद रखना है ठीक है अब ये क्या कहता है कि आई एस ए क्या है चलो पहले रिप्रेसिव की बात करते हैं मैंने आपको एंटोनियो की वीडियो में बताया था पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी ठीक है पॉलिटिकल सोसाइटी होती है जहां पर फोर्सफुली काम होता है सिविल सोसाइटी होती है जहां पर आइडियाज के थ्रू आइडियोलॉजी के थ्रू काम होता है ठीक है आइडियोलॉजी के थ्रू रूल होता है वही चीज ये है आई एस ए और रिप्रेसिव रिप्रेसिव स्टेट अपराटिस में आ गया आपका गवर्नमेंट पुलिस आर्मी लीगल सिस्टम ठीक है एक ऐसा सोशल ग्रुप जो किसी और सोशल ग्रुप पर या सोसाइटी पर रूल करता है कैसे रूल करता है फोर्सफुली ठीक है गवर्नमेंट है अगर उनके अब किसान आंदोलन चल रहा है अब किसान अब गवर्नमेंट को नहीं मानना है तो वो उनपे आंसू गैस के गोले अगर फेंकेगी या फिर पानी की पोछार करती है कुछ भी करती है पुलिस का वो यूज करेगी आर्म फोर्सेस का यूज करेगी लॉ का यूज करेगी तो एक ऐसी रूलिंग क्लास जब वो फोर्सफुली कोर्सली जब वो एक सोसाइटी पे रूल करती है तो उसे रिप्रेसिव स्टेट अपराटिस कहा है किसने लुइज अल्तेजर ने उसी का उल्टा आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटिस इसे आप हेजमनी भी समझ सकते हो एंटोनियो ग्रामसी की वीडियो एक बार देख लेना अगर आपने देख ली है अभी समझ नहीं आ रहा तो उसको एक बार और देख लेना हेजमनी की ये बात कर रहा है एंटोनी ग्रामशी तो वो भी ये कहता है कि जब आप किसी पे रूल करते हो बट यू आर रूलिंग बाय कंसेंट ठीक है आप उसकी मर्जी से रूल कर रहे हो आइडियोलॉजी से रूल कर रहे हो तो ये भी यही बात कह रहा है कि आइडियोलॉजी से जब हम कहीं रूल करते हैं एक जो सोशल ग्रुप है एक रूलिंग जो क्लास है जब वो किसी आइडियोलॉजी से रूल करती है तो उसे आइडियोलॉजी का स्टेटिस कहते हैं ठीक है इस आइडियोलॉजी में आपके इंस्टीट्यूशन आएंगे वो एजुकेशनल भी हो सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे कि चर्च है टेंपल है ठीक है जी इसमें फैमिली भी आ जाएगी जो कि सिविल सोसाइटी में भी थी ठीक है तो आप इसे सिविल सोसाइटी समझ सकते हो और इसे पॉलिटिकल सोसाइटी समझ सकते हो ग्राम के टर्म्स में ठीक है इसमें तो आईएसए और आरएसए आपने याद रखना ठीक है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपराटिस एंड रिप्रेसिव स्टेट अपेटिस तो ये जो ये है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपेटिस इसमें होता है रूल बाय कंसेंट जिसमें कि ऐसे इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाते हैं ऐसी चर्च टेम्पल के थ्रू अब हमारी जो गवर्नमेंट है इस टाइम इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट तो वो भी क्या करती है कि मंदिर के थ्रू रूल करेगी धर्म के नाम पे रूल करेगी लोगों का दिल पहले जीतेगी इमोशनली उनसे अटैच होकर वो काम करेगी तो वो क्या कर रही है वो ये हजमनी वाला काम कर रही है ये आईएसए वाला काम कर रही है जहां पे उन्हें लगता है कि आंदोलन हो रहा है तो वहां वो रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स का काम भी कर रही है ठीक है तो ये इन दो चीजों की बात करता है अब हम समझेंगे कि इंटरपलेशन क्या है इंटरपलेशन है इन सारी चीजों का जब आप किसी आइडियोलॉजी को एनकाउंटर करते हो उसका सामना करते हो उस प्रक्रिया को उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरपलेशन इंटरपलेशन वैसे जब पार्लियामेंट में किसी से फॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं पूछताछ उसे भी इंटरपलेशन कहते हैं और किसी चीज का एग्जिस्टेंस में आना उसे भी इंटरपलेशन कहते हैं ठीक है तो इंटरपलेशन यहां है कि जब आप किसी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हो उसका आप एक पार्ट बन गए मान लो मुझे पुलिस फोन करती है हां जी सौरभ तूने एक लड़की छेड़ी है

ठीक है जब आपके दिमाग में वो चीजें डाली जाती है जब आप उस चीज का एक सब्जेक्ट बन जाते हो ठीक है उसे इंटरपलेशन कहते हैं आप इसे और डिटेल में समझना हो तो और पढ़ लेना आपने अपने भी पे ठीक है बाकी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं समझा रहा हूं है ना तो इंटरपलेशन जहां तक कि मैं समझ पाया हूं मुझे भी काफी वक्त लगा इसको समझने में तो आइडियोलॉजी इसलिए मैंने आपको लास्ट में समझाया क्योंकि जब ये आइडियोलॉजी आपके दिमाग में थोपी जा रही होगी जब आप इसका सब्जेक्ट बन बन रहे होगे उस प्रोसेस को इंटरपलेन कहा जाएगा ठीक है तो आइडियोलॉजिकल स्टेट रिप्रेसिव स्टेटिस इंटरपलेशन तीन टर्म्स इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपको बताया इसने जो तीन वो होल की बात की है इकोनॉमिक आइडियोलॉजिक आइडियोलॉजिकल और तीसरा पॉलिटिकल लीगल ठीक है उन तीन चीजों की मैंने दो तीन आपको वर्क्स भी इसके बता दिए मैं आपको वर्क और भी बता सकता हूं दो तीन लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर फिलोस एंड अदर एसेज लेनिन मैं लिख देता हूं एक मिनट लेनिन एंड फिलोसफी लेन एंड फिलोसफी एंड अदर एसेज अदर एसेज एक इसका और है मैकेवेली मैकेवली भी एक फिलोसफर था मैकेवेली एंड अस ये बुक तो नहीं है वैसे कि इसने लेक्चर दिए थे नाइनटीन सेवेंटी टू में कहीं उसके बाद पब्लिश तो इसकी डेथ के बाद हुए है नाइनटीन नाइनटीज में ही पब्लिश हुआ है कर, इसकी मुझे प्रॉपर पब्लिकेशन डेट मिली नहीं मैं काफी ढूंढ रहा था तो मैं एंड अस याद रखना नाइनटीन इसका है और लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर अदर एसेज नाइनटीन में ये आया है और एक इसका और भी वर्क है शायद इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी या फिर एसेज ऑन आइडियोलॉजी ऐसे करके है 1982 में शायद वो आया है। तो वहां भी आइडियोलॉजी आ रहा है आपने आइडियोलॉजी से एकदम से आइडेंटिफाई कर लेना है कि हम लुइज अल्थुजर की ही बात कर रहे हैं जहां आइडियोलॉजी का आ गया ठीक है तो मैं समझता हूं कि इतना आज के लिए काफी है लुईस अल्तुजर की मैंने लगभग सारी बातें कर ली है जो भी इसका इंपॉर्टेंट जो भी इसकी टर्म्स थी ठीक है इसके बाद फ्रेडरिक जेमसन है फ्रेडरिक जमसन में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उसको मैं शायद पोस्ट मॉडर्निज्म में कवर कर चुका हूं उसको मैं इसी प्ले में अटैच कर दूंगा उस वीडियो को इसके बाद आपने वो देख लेनी है ठीक है और इसके बाद शायद इसमें एक दो अगर बचे होंगे तो मैं वीडियो बना लूंगा नहीं तो फिर सीधा हम फ्रैकफर्ड स्कूल की करेंगे इसके बाद ठीक है तो मैं समझता हूँ कि सर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो बची खुची खसर होगी वो आपने अपने भी पूरी कर लेनी है ना तो तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक है ओके बाय